दोस्तों सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं एक गिलास पानी पीता हूँ बिना कुल्ला किए हुए। रात भर की जो हमारी मुंह के अंदर जो लार आते हैं ना, तो वो पेट में जाना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फायदेमंद होता है। तो सुबह उठने के बाद पानी पीना काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए। अब करते हैं एक्सरसाइज। मिनट के लिए मैं स्ट्रेचिंग और कुछ योगासन और कुछ प्राणायाम करता हूँ। और ये जो योगासन है काफ़ी मतलब आसान है और 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ये करने से आपके पूरे जो बॉडी है ना, उनका एक्सरसाइज हो जाता है। अब बारी है डंबल। तो मैं डेली 40 मिनट्स का अपना टाइम निकालता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, जिसमें 15 मिनट हो गया अपना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो गया, योगासन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं डंबल आगे करता हूँ और डंबल करने के बाद वो आपको डंबल करने के बाद ही पता चलेगा। रोशो का भी गुड मॉर्निंग हो गया है। रोशो जग गई है, क्या कर रही हो? हाँ भैया, क्या कर रही है? क्या कर लिए लालू मेरी मिला? तो अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने जो छोटा सा हमारा गार्डन एरिया है। इस गार्डन एरिया में मैं आकर बैठता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा सा ओम का गुंजन करता हूँ। सुबह उठने के बाद ना, हमें कभी भी उठते ही अपने दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक कि हमें यार आज हमें ये काम करना है, आज वो करना है, भाई आज EMI देना है, आज ऑफिस में ये काम करके दिखाना है, आज बॉस को खुश करना है, आज घर में ये करना है, आज इसकी शादी करनी है। सुबह उठने के बाद ये सब भूल जाओ। सुबह सुबह अपने दिमाग को बिल्कुल जितना शांत हो सके, हालांकि दिमाग को शांत रखना भाई बहुत ही मुश्किल टफ काम है, ठीक है। हमारे माइंड में थॉट्स लगातार चलते ही रहते हैं, आप कभी ध्यान देना, आपकी एक थॉट जो है अंदर अंदर ख़त्म होगी, दूसरी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको जो है कि शांत रखना बहुत ही टफ काम है, दुनिया का सबसे टफ काम इसको शांत रखना है। आप कोशिश करना, आप ट्राई करके देख लेना, आप एक घंटे के लिए, एक घंटा छोड़ो, आधे घंटे छोड़ो, आप 20 मिनट के लिए इसको बिल्कुल शांत रख के देखना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सुबह उठने के बाद आप कोशिश करना कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी हो सके बिल्कुल इसको शांत रखो, और वो बस आप खुद के लिए निकालो, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं, औरों के लिए पूरा दिन बाकी है ना मेरे भाई, ठीक है। आपको अपनी बॉस अपने फैमिली के लिए निकालना है टाइम, अपनी वाइफ, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने ऑफिस में बॉस के लिए, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जिनके लिए भी टाइम निकालना है निकालना, लेकिन स्टार्टिंग के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खुद के लिए निकालो और बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए। देखो लाइफ में टेंशन होते हैं, लाइफ में कई काम होते हैं, लाइफ में कई परेशानियाँ होती हैं, बट सुबह उठ के उन सब चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ खुद को याद रखो। अपना जो एक रूटीन से सारा काम करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन करने के बाद जो है कि एक गिलास गुनगुना पानी, गुनगुना क्या थोड़ा गर्म ही रहता है, तो एक गिलास गर्म पानी पीते हैं और पीने के 10 या 15 मिनट बाद फिर अपना न्यूज़पेपर जो हम न्यूज़पेपर मंगवाते हैं तो न्यूज़पेपर उठाते हैं और एक कप चाय उठाते हैं। और हेलो, क्या कर लियो? देखें क्या कर रही है, कुछ तो तुम बदमाशी कर रही थी ना, बताओ क्या कर रही थी, कुछ तो तुम खाई है। हाँ, छिपो मत, कुछ तो तुम खाई हो। सुबह कुछ इस तरीके से अपना सुबह का डेली रूटीन होता है, और मॉर्निंग में डेली रूटीन होता है अपना। और अभी जो है कि नहाएंगे फटाफट, नहाने के बाद पूजा करेंगे, पूजा करने में मुझे 10 मिनट लगता है, ठीक है, पूजा करेंगे और फिर उसके बाद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो यही होता है सुबह का, फिर शाम में आऊँगा ऑफिस से, फिर आपको पता ही है ब्लॉग शूट करता हूँ और आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट करके अपलोड करता हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बोलना यार सब्सक्राइब करने के लिए, और फटाफट से इसको 25,000 सब्सक्राइबर लेके जाने। तो मिलता हूँ जी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।